ऑनलाइन फ्रॉड में अगर कट गए हैं आपके बैंक अकाउंट से पैसे, तो ये है पैसे वापस लाने का तरीका। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं फैसल शेख और आप देख रहे हैं फैसल टॉक। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड का अगर आप भी शिकार हो गए हैं तो इस पे तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। इससे आपके पैसे बच जाएंगे और आपका कोई नुकसान नहीं होगा। डिजिटल इंडिया होने के कई फायदे हैं, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, देश भर से फाइनेंशियल फ्रॉड की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई लोग स्कैमर्स के जाल में फंस जाते हैं। अगर आप भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए हैं तो कुछ बातों को फॉलो करके आप अपने पैसे पा सकते हैं। अगर आप किसी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए हैं तो इस पे तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे उतना ज्यादा चांस है कि आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाए। कई बार लोग ऐसे टाइम में कुछ समझ नहीं पाते और पैसे हाथ से निकल जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम का शिकार होते हैं तो अपने बैंक को तुरंत जानकारी दें। अगर आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं तो आप इसको लेकर 3 दिन के अंदर शिकायत दर्ज करवाएं। इसकी शिकायत आप www.cybercrime.gov.in या फिर अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर भी कर सकते हैं। आपने अगर टाइम पर साइबर क्राइम को लेकर एक्शन लिया तो आपको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा, और आपने अगर OTP शेयर नहीं किया है तो आपको 10 दिन के अंदर रिफंड मिल जाएगा। आप इस स्कैम का शिकार होते हैं तो इसकी सूचना, इसकी कंप्लेन आप लिखित रूप में दें बैंक को, और इसकी एक कॉपी अपने पास रखें। इस तरह के स्कैम से बचने के लिए आप कभी भी अपनी पर्सनल जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI पिन, OTP शेयर ना करें। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।